जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। हम बात कर रहे थे ब्रिक्स की, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी क्या स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए ब्रिक्स का, क्या ब्रिक्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और एक अच्छी ब्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स की रिलेटेड टू ब्रिक्स, जिनका यूज हम आगे और ब्रिक्स की फर्दर स्टडी करेंगे उसमें होगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि टेक्निकल टर्म्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रॉग की, कि आखिर में फ्रॉग क्या होता है। तो जैसे कि ये ब्रिक्स आप देख पा रहे होंगे, आपकी आंखों के सामने है। इस ब्रिक्स में एक बीच में जो उसका अपर फेस होता है, उसमें अंदर एक गड्ढा टाइप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। इसकी फ्रॉग की परफेक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फ्रॉग को क्या बोलते हैं, इट इज एन इंडेंशन और डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक्स मेड विद ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग ए की फॉर द मोर्टार। ध्यान देना, फ्रॉग क्या बोला है इन्होंने, जो भी आप ब्रिक्स बनाओगे, ब्रिक्स के ऊपर वाले फेस पर एक आप इंडेशन देते हो यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये मेरी ब्रिक्स है, तो यहाँ पर जो इंडेशन है इसी को हमने बोला है फ्रॉग। ये फ्रॉग का क्या काम है, इस फ्रॉग का काम है कि जब आप वॉल का कंस्ट्रक्शन कराओगे तो इसमें मोर्टार फिल हो जाएगा। मोर्टार फिल होने के बाद ये अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा दीवार को। ऑल राइट, तो फ्रॉग क्लियर हुआ फ्रॉग क्या होता है। दूसरा जो है हमारा टेक्निकल टर्म वो है हेड। हेड क्या है, सपोज ये बात करता हूं मैं अभी, ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। तो ब्रिक्स की जो सबसे छोटी साइड रहती है, ये स्मॉलेस्ट साइज, इसको बोलते हैं हम क्या, हेड। और जो लॉन्गेस्ट साइड जो रहती है, लॉन्गेस्ट जो की लेंथ होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना आप। और यहाँ पर हमारा होता है फ्रॉग। ध्यान देना, फ्रॉग हमेशा लॉन्गर साइड के पैरेलल होता है या उसी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट्स मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार परफेक्ट हेड में आपको दिखा देता हूँ। ये जो ब्रिक है, ब्रिक में आप ये देख सकते हैं, ये वाले पोर्शन को हमने क्या बोला, हेडर या फिर हेड। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है जो है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है क्या होता है, कि स्ट्रेचर की अगर बात करें, यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी गई है, इफ ए ब्रिक और ए स्टोन विच लाइज विद इट्स लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल। सपोज अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेचर कैसा दिखेगा आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मीन्स ये हमारा स्ट्रेचर है। जब लॉन्गेस्ट साइड हमको दिखाई देगी केवल और केवल, तो उस केस में जो दिखाई देगा वो होगा हमारा क्या, स्ट्रेचर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ आपको स्ट्रेचर क्या होता है। नेक्स्ट जो है कोर्स, कोर्स की बात करेंगे। कोर्स इज हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स स्टोन। ब्रिक स्टोन, ब्रिक्स स्टोन की एक हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, कोर्स, ठीक है। बात करते हैं हम, जैसे कि ब्रिक्स की क्या हॉरिजॉन्टल लेयर हो सकती है। जैसे ये ब्रिक्स है, इनको मैंने अरेंज कर दी, तो ये एक लेयर हो गई मेरी किसकी, ब्रिक्स की। तो इसी को मैंने क्या बोला है, कोर्स बोल दिया। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम यहाँ पर हेडर कोर्स। तो हेडर कोर्स हमारा कोर्स के अंदर ही आ रहा है। बात करते हैं, जैसे कि नाम बोला इसने हेडर कोर्स, मींस ऐसा कोर्स जिसमें कि हमें केवल और केवल हेड दिखाई दे, सारे के सारे हेड अगर हमें नजर आएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेडर कोर्स। ये टाइप की जो देख पा रहे होंगे आप अरेंजमेंट, इस कोर्स को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर, हेडर कोर्स। क्लियर है, डेफिनेशन आपको नीचे लिखी गई है और वो क्या कहती है, कि कोर्स ऑफ ब्रिक्स वर्किंग शोइंग ओनली हेड ऑन द एक्सपोज्ड फेस, मींस जो फेस हमें दिखाई देगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपको यहाँ पर जो भी फेस दिखाई देगा, अगर उसमें केवल और केवल क्या है, हेड हेड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हेडर कोर्स। ऑलराइट, जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखेंगे, तो ये अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेड। इस पूरी रो के अलोंग आपको हेड ही हेड नजर आ रहा है, तो इस कोर्स को हमने क्या बोल दिया, हेडर कोर्स। ऐसे ही सिमिलर है हमारा स्ट्रेचर कोर्स, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कि एक इस प्रकार का कोर्स जिसमें केवल और केवल हमें क्या दिखाई देता है, स्ट्रेचर दिखाई देता है एक्सपोज्ड साइट पर, उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेचर कोर्स। ऑलराइट, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, फिर से वही चीज है कि ये जो लेयर है या जो उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, केवल और केवल स्ट्रेचर 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 नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोर्स भी अब आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की, और वो क्या है सेकेंड पॉइंट हमारा, वो है हमारा बॉन्ड। आखिर में बॉन्ड क्या होता है।
तो द मैथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स सो डेट इंडिविजुअल यूनिट्स आर टाइट टुगेदर। बॉन्ड कुछ नहीं है ब्रो, बॉन्ड हमारा जो है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक जरिया है जिससे कि हम ब्रिक्स को अरेंज कर रहे हैं। सपोज ये मैंने अरेंज करी स्ट्रेचर के अलोंग, स्ट्रेचर के अलोंग अगर मैंने मेरी ब्रिक्स को अरेंज करी तो ये हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड क्या है, सीधा सा अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, क्लियर है। या मैं किस प्रकार से ब्रिक को अरेंज कर रहा हूँ उसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड बोलते हैं। और बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हम क्यूएंस, ये क्या है, ये स्टोन से, द स्टोन्स यूज फॉर द कॉर्नर ऑफ द वॉल। जो सपोज यहाँ से अगर आपको इस प्रकार से कोई वॉल खड़ी करनी है तो आप जिन स्टोन्स का यूज इन कॉर्नर के लिए करोगे उसको हम बोल रहे हैं क्यूएंस, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म है वो है हमारा बेट, BAT, बेट। ठीक है, तो बेट क्या है, ये एक पोर्शन है किसका, ब्रिक्स का, जिसको हमने विड्थ के अलोंग काट दिया है। जैसे कि अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये आपका क्या था, ब्रिक्स थी, ब्रिक्स को आपने क्या किया, इसकी विड्थ के अलोंग इसको काट दिया, यहाँ से विड्थ के अलोंग इसको काट दिया, तो इस प्रकार के पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, बेट। क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बात जो करेंगे हमें रहता है क्लोजर। ठीक है, तो जैसे बेट है वैसे ही क्लोजर है। क्लोजर में क्या करते हैं हम कि इट इज ए पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट इन सच ए मैनर डेट इट्स वन लॉन्ग फेस रिमेन्स अनकट। ध्यान देना, क्लोजर में क्या करते हैं हम, ब्रिक्स को इस प्रकार से काटते हैं जिससे कि उसका जो लॉन्गर फेस है हमारा वो बिल्कुल एज इट इज रह जाए, मीन्स अनकट रह जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये ब्रिक है और ब्रिक को हमने इस उसकी लेंथ के अलोंग काट दिया, तो जिससे कि उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जो उसकी विड्थ थी, ये विड्थ जो हमारी थी दैट इज वो कितनी हो गई, विड्थ B/2। ऑलराइट, लेंथ हमारी जैसी की जैसी रहेगी, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्विन क्लोजर। बात करते हैं जैसे क्विन क्लोजर था वैसे के वैसे हमारा क्या है, किंग क्लोजर है। क्विन क्लोजर में क्या हो रहा है, जो ब्रिक है हमारी, ब्रिक को हम इस प्रकार से काटते हैं कि जो उसकी जो विड्थ है, विड्थ के सेंटर से तो लेंथ के सेंटर तक लाते हैं हम लोग। ठीक है, मींस अगर ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्रिक हमारी ब्रिक्स थी, तो ब्रिक्स में हमने क्या किया, जो विड्थ है मींस ब्रिक्स की जो विड्थ है उसका सेंटर मार्क किया, साथ में लेंथ का सेंटर भी मार्क किया, और जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार का जो हमें बाद में काटने के बाद जो अरेंजमेंट मिलेगा उसको हमने क्या बोला है, किंग क्लोजर। इनकी परफेक्ट डेफिनेशन में भी आपको शो करूंगा। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हम बेवेल्ड क्लोजर की। तो बेवेल्ड क्लोजर क्या है, आप जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एक तो आपने जो विड्थ है, विड्थ का तो सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया, लेकिन जो लेंथ के अलोंग उसको बिल्कुल एक कॉर्नर से जब रिमूव कर देंगे उस ट्रायंगुलर पोर्शन को, तो आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम बेवेल्ड क्लोजर। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं और अच्छी तरह से, एंड तो आप देख पाएंगे कि जो किंग क्लोजर होता है, किंग क्लोजर क्या बोलता है कि इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स ऑब्टेन बाय कटिंग ब्रिक्स लेंथ वाइज इन टू पोर्शन। अगर मैं ब्रिक्स को उसकी लेंथ के अलोंग काट देता हूं तो वो दो पोर्शन जो मुझे मिलेंगे उसको हम बोलते हैं क्विन क्लोजर। जैसे कि आप इस फिगर में अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेंथ के अलोंग इसको हमने काटा तो हमें जो क्विन क्लोजर मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम किंग क्लोजर की। तो किंग क्लोजर क्या बोलता है, इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स ऑब्टेन बाय कटिंग ऑफ ए ट्रायंगुलर पीस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन एंड एंड अनदर सेंटर ऑफ अनदर साइड। ठीक है, तो ये किंग क्लोजर आप देख सकते हैं, दोनों साइड के जो सेंटर से हम जो ट्रायंगुलर पोर्शन को अगर काट देंगे तो वो हमें किंग क्लोजर देगा। वैसे ही बेवेल्ड क्लोजर की अगर बात करें तो ये क्या कहता है कि इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स इन विच द होल लेंथ ऑफ द ब्रिक्स इज बेवेल्ड फॉर मेंटेनिंग हाफ विड्थ एट वन एंड एंड फुल विड्थ ऑफ अनदर एंड। ठीक है, वही कहा है कि एक एंड पर तो आधी विड्थ सेंटर ले लेंगे और दूसरे पे पूरा कवर करके जिस ट्रेंगुलर पोर्शन को हम रिमूव करेंगे उसके बाद में जो हमें मिलेगा उसको बोलते हैं क्या, बेवेल्ड क्लोजर। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो टेक्निकल टर्म्स है रिलेटेड टू ब्रिक्स वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, कि आखिर में कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे होते हैं, दैट इज बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।